रेडी रूल। मैंने जब सुना कि डॉक्टर तानिया बेसिकली इंडिया से है और हालांकि अभी वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उनका जो बेस रूट जो फॉर्मुलेशन है वो आयुर्वेदिक बेस्ड है, उन्होंने उस पर काफ़ी रिसर्च की है और अब वहाँ ट्राई टेस्ट करके वो फिर से यहाँ इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा मौका है डॉक्टर तानिया के लिए और ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च होने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी ना किसी ब्रांड पे, किसी ना किसी मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट पे, लेकिन हमें पता नहीं है सही करेक्ट प्रोडक्ट कौन से है, और डॉक्टर तानिया आज हमारे लिए कर रही है, सो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मैडम, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट काफ़ी है इंडिया में, तो आपको लगता है कुछ ना कुछ ये प्रोडक्ट जो नया है असर कर पाएगा और लोग क्यों इसको यूज़ करेंगे? जी हाँ, ये प्रोडक्ट डेफिनेटली असर कर पाएगा क्योंकि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है रिसर्च में और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को इन्होंने रिसर्च किया है और एक नई लाइन बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि ये फेस वॉश की जगह ये यूज़ करें, ये क्रीम की जगह, ये लाइन ही बिल्कुल नहीं है, एक अलग नज़रिया है स्किन केयर को देखने का। तो जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगी वो डेफिनेटली इसे यूज़ करना पसंद करेंगे। आजकल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को खूबसूरत दिखना है, हर किसी को अच्छा दिखना है, बस केवल महिलाएं नहीं पुरुषों में भी ये जो जिज्ञासा बढ़ रही है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी हाँ, आजकल हर किसी को अच्छा दिखना है और सिर्फ अच्छा ही नहीं दिखना है लेकिन उन्हें सब चाहिए जल्दी, तो हमारे जो भी कंसर्न्स हो वो जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसे इन कॉम्पिटिशन्स में अभी ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट्स डॉक्टर तानिया लेके आ रहे उसमें सारे जगहों पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, जो प्रोडक्ट्स असर ही ना करें बल्कि फास्ट असर। अच्छा, बॉलीवुड के लिए मैडम क्या कहना चाहेंगे, जो मॉडल लोग हैं अपकमिंग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बॉलीवुड में इनफैक्ट हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि मिनिमम मेकअप नो मेकअप लुक का बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, चलन बढ़ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है और इसका मतलब है कि स्किन केयर ब्रांड्स को एक्चुअली इससे ज़्यादा फायदा। The earlier you said something about women empowerment, yes. That women you should support women, what it, can you elaborate on that? Yes, of course. हमने देखा कि आज दो बड़े मिनिस्टर्स आए हुए थे डॉक्टर तानिया की स्किन केयर को प्रमोट करने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ऐसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी लेडीज हैं जो ये ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठा सकती हैं, जिन्हें भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर मिनिस्टर लेवल के लोग उन्हें सपोर्ट करें। तो आज यही हुआ है और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा है सारे विमेन के लिए, इनफैक्ट सारे मिनिस्टर्स या सारे पावर ब्रोकर्स के लिए भी, कि वो ऐसे लेडीज को आगे प्रमोट करें। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? Minister from Queensland, from Bangalore came. What kind of support like Tanya is getting for this? Yes, of course. डॉक्टर तानिया मुझे लगता है कि बहुत एक अभी आर्मी से जुड़ गई है जो उसे सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। मैं इन्हें इसलिए सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ क्योंकि वो एक इंडियन ओरिजिन से है, मैं इन्हें इसलिए सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ क्योंकि वो एक विमेन के लिए एक एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक रोल मॉडल है, कैसे एक लेडीज ऑफ स्किन केयर जिसे काफ़ी लोग आज भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, वो वैसे प्रोडक्ट्स को लेकर इंटरनेशनल ग्लोबल बनाती है और अपने लिए एक सपोर्ट जोड़ती है जो आगे लोग आते हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ विमेन रीचिंग न्यू हाइट्स। अच्छा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आप क्या करेंगे? फिलहाल तो मैं एक खुद अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिसका नाम है हम, ये एक हॉरर सब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट है, ये अंडर प्रोडक्शन है एंड हम हालांकि इसको बनाकर किसी ओडिट को पिच करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पांडे तरफ को आ रहा हूं। गंदा पड़ गया सर।